गाजा में इजरायली फौज को रोकने के लिए यमन का हूती पूरी ताकत से लाल सागर में इजरायली और अमेरिकी जहाजों पर हमले कर रहा है। हूती के इन हमलों का शिकार एमवी ट्यूटर और ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर जहाज हो चुके हैं। हूती ने अपने हमलों में इन दोनों ही जहाजों को समुद्र में डुबो दिया है, जिससे अमेरिका और इसराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ हूती ने अपने नए समुद्री ड्रोन तूफान अल मुदम्मर और हातिम 2 और फिलिस्तीनी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करके सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। हूती का दो टूक कहना है कि जब तक गाजा में युद्ध नहीं रुक जाता, तब तक वो लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में इजरायली और पश्चिमी जहाजों को जाने नहीं देगा। यहाँ तक कि हूती अब सीधे उत्तरी इजरायल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है, और अब इसी कड़ी में हूती ने 4 बड़े हमले करने का ऐलान किया है। हूती का कहना है कि उसने अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल के जहाजों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। हूती के मुताबिक अरब सागर में इसराइल के MSC यूनिफिक 6 पर हमला किया गया है। लाल सागर में अमेरिकी तेल टैंकर डेलोनिक्स पर अटैक किया गया। हिंद महासागर में ब्रिटेन के मालवाहक जहाज एनविल पॉइंट को भी निशाना बनाया गया। वहीं भूमध्य सागर में तेल टैंकर लकी सेलर पर बड़ा हमला किया गया। इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अरब सागर में MSC यूनिफिक पर 7 क्रूज मिसाइलें दागी गई, जबकि अमेरिका के डेलोनिक्स पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में डेलोनिक्स पर यह दूसरा बड़ा हमला है। वहीं ब्रिटेन के एनविल पॉइंट पर भी क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। وردا على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة يوم أمس نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية دايموند في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ونفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير إن حملوں کو لے کر ہوتی کا کہنا ہے कि इन जहाजों की अधिकतर कंपनियों ने इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन में एंट्री पर लगे बैन का उल्लंघन किया है, और इसी वजह से इन जहाजों को निशाना बनाया गया। और इन हमलों से पहले पिछले हफ्ते भी हूती ने इसराइल से जुड़े 4 मालवाहक जहाजों और एक अमेरिकी जहाज पर भूमध्य सागर और लाल सागर में निशाना बनाया था। और इन हमलों को लेकर हूती ने कहा था कि उसने इराकी प्रतिरोधी समूह के साथ मिलकर इन हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें वॉलर केमिकल और तेल टैंकर पर भूमध्य सागर में कई मिसाइलें दागी गई थीं। इसके अलावा इजरायली कब्जे वाले बंदरगाह की तरफ जा रहे एक जहाज पर भी हूती ने हमला किया था। वहीं अब अमेरिका के तेल टैंकर डेलोनिक्स पर लाल सागर में हूती ने हमला किया है। हूती का कहना है कि उसने इस जहाज पर कई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो सीधे जहाज पर लगी हैं। इस हमले के अलावा भूमध्य सागर में हूती ने जोहानस मार्स कंटेनर शिप पर भी एंटी क्रूज मिसाइलें दागी हैं, और ये जहाज शिपिंग की दिग्गज कंपनी मार्क्स का है। हूती का कहना है कि इस कंपनी के जहाजों ने उसके प्रतिबंधों का कई बार उल्लंघन किया है, और यही वजह है कि हूती के निशाने पर मस्क कंपनी के जुड़े जहाज आ गए हैं। बड़ी बात यह है कि हूती का ये भी कहना है कि उसने विस्फोटकों से लदे कई समुद्री ड्रोन से आयोनिस बल्क कैरियर पर भी एक बड़ा हमला किया है। हूती के मुताबिक इस जहाज ने भी कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह पर लगे एंट्री के बैन को तोड़ा था।